अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होपफुली सब लोग ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं, जो बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे हैं और बच्चे बड़ी खुशी खुशी माशाल्लाह से स्कूल जा रहे हैं। उसके बाद जी आज मैं बना रही हूँ एग फ्राइड राइस। इसके लिए मैंने पहले से मेरी नेचर चिकन जो है उसको लेके मैंने पकना रख दिया सबसे पहले। साथ ही जी मैं चावलों को बॉईल होने के लिए रख रही हूँ, उसके लिए मैंने पानी रखा है, उसमें थोड़ा सा नमक ऐड किया है। ये मेरे पास एग्स हैं जिनको मैंने साइड पे बीट कर लेना है नमक और हल्दी डाल के। ये मेरे पास कैप्सिकम है जो कि सारा कुछ एग फ्राइड राइस के अंदर जाएगा। और हमारा चिकन जो है वो रेडी हो रहा है, सारी चीज़ें प्रिपेयर हैं। अब झटपट हमने एग फ्राइड राइस बनाना है। अब देखें जी हमारा चिकन तकरीबन रेडी हो गया है, इसका ऑयल आ गया है बाहर और चिकन जो है ना वो सॉफ्ट और जूसी सा रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर ही कैप्सिकम जो है रेड कैप्सिकम हमने काट के रखी हुई है वो इसमें ऐड कर देंगे ताकि वो भी थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। उसको मुकम्मल नहीं पकाना, हमने हल्का सा उसको सॉफ्ट करना है। अब देखें जी हमारी कैप्सिकम भी अंदर कुक हो रही है बड़े आराम आराम से, तो इसको भी थोड़ा सा इसमें हमने पका लेना है। थोड़ा नमक मिर्च ऊपर लग जाएगा और टेस्ट भी हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया है, इसमें दो अंडे फेंट के इसमें हमने नमक हल्दी और थोड़ा सा ज़ीरा डाल लिया। ज़ीरा मुझे वैसे टेस्ट में पसंद है तो मैंने इसमें ऐड कर लिया था। इसको अब फ्राई कर लेंगे अलहदा से, उसको भी हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा हमें ऑयल और ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें ऑयल थोड़ा सा कम है। ये जो एग्स हैं इनको हमने स्क्रैम्बल्ड एग की तरह थोड़ा थोड़ा तोड़ लेना है। इसको हमने इस तरह से साबुत नहीं, बस थोड़े थोड़े पीसेस करना है। चिकन एग और वेजिटेबल जो है हमारी रेडी हैं। अब हमने जो राइस है उनको बॉईल कर लेना है और इसका पानी जो है वो गिरा देना है। बस हल्के फुल्के से हमें राइस चाहिए। ये देखिए बॉईल होना स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसके बाद बस हमारा समझें कि ये रेडी है एग फ्राइड राइस, चिकन एग फ्राइड राइस।
एग फ्राइड राइस के लिए हमें जो है ना फुली बॉयल करने हैं राइस। इसमें जो हम बिरयानी में एक पनीर छोड़ देते हैं, हल्का सा कच्चापन रहने देते हैं जो कि दम में हो जाता है, तो वो जो है ना उसकी ज़रूरत नहीं होगी हमें। हम उसके बगैर ही फुली तकरीबन बॉयल करेंगे। और फिर उसके अंदर मक्खन ऐड कर दिया था मैंने, और ये वाला चिकन जो है, और सारी जो मटेरियल बनाया था इसमें एग्स हैं और कैप्सिकम है, ये सब ऐड करके हल्का सा स्टिर फ्राई करेंगे और हमारे जो राइस हैं वो रेडी हो गए। अब हम जी ज़रा शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, चलें जी आपको भी दिखाते हैं। कलर डाले, ये इसमें ये कलर अच्छा लग रहा, फ्रेश थोड़ा लग रहा है। अभी बेचिए चिकन वाली, ये ले लें। ये ब्लैक में भी अच्छे हैं, ये इसका थोड़ा मोटा लग रहा है, अब गर्मियों के लिए थोड़ा ज्यादा कलर में। ओके सॉस लेनी है सब्जी में? ये मेरा फेवरेट कलर है, मस्टर्ड, वेरी नाइस कलर। देखे मिला, खोल के देखे टी शर्ट, आपको तो कोई टाइप की टी शर्ट तो नहीं। नाइस नाइस कलर, मेरी शर्ट के साथ पैंट कलर पे, पैंट के साथ ब्लू साड़ी पहन, ब्लू के साथ तो ये मस्टर्ड इतना प्यारा लगता है। अच्छा मैं आयशा जो देखती हूं, नो प्रॉब्लम एज यू विश। ये इस तरह की भी ठीक है, चलिए आगे। ये वाले ट्राउजर में इस किस्म के कैरी थे आपको, ये अच्छे लगते हैं ऐसे गर्म से, और इसमें ये ऐसे लाइट वाला कलर होना, ये अच्छा लगता है ना। ये इस किस्म के ट्राउजर्स, उधर शूज भी है नवीद आपके लिए, शूज देखती हूँ, सॉक्स भी ले लिया ना आपने। वैसे मैं आपको दिखाती हूँ कि इधर कितने रीजनेबल प्राइस में अच्छे शूज मिलेंगे आपको, इस दफा लेने चाहिए। कंफर्टेबल होते हैं मेरे, इतने कंफर्टेबल शूज हैं, जस्ट 5 pounds, ये अच्छा कंफर्टेबल है, ऊपर से थोड़ा हार्ड मेमोरी फोम है, फिर थोड़ा सा मैंने वो बनाना था ना स्ट्रॉन्ग है। नहीं ये भी अच्छे लगते हैं वाइट में, आपने कभी वाइट नहीं लिए, ये अच्छे लगेंगे। ये कितने कितने के? कितने रीजनेबल। और ये नवीन ऐसे स्नीकर्स टाइप नॉर्मल पहनने की, मतलब ये भी जीन्स के साथ पहन जा सकते हैं, कितने के? 4 pounds, ओ वेरी नाइस, बहुत जबरदस्त है। जस्ट 4 pounds, चलो ना मैं जो देखना चाह रहा हूँ। चलो
लेनी चार चार अंगूठियां अंगूठियां क्या अच्छा वाला सेट है तीन वाली लग रही है टॉप्स भी लेने और ये इधर ना आई लाइक दिस वन ये नाक के अंदर लगा कौन से नाक वाले दरमियान में है डाल के दिखाएं नहीं टूथब्रश हमारे पास बहुत पड़े हैं प्लीज उनके बारे में मत सोचना लेकिन हार्ड है जो मैं यूज कर रहा हूँ बहुत तो वो जो अंदर पड़े हुए इतने सॉफ्ट हैं हाँ जी बिल्कुल सॉफ्ट है चार पांच पड़े हैं पांच पड़े हैं वैसे वो यूज कर रहे हैं आप ये हेयर ब्रश कितने का यहाँ पे वन पाउंड देखे तो उधर से भी टू थ्री पाउंड को लेकर तो फिर टू थ्री पाउंड डबल ट्रिपल तो है ना अच्छा है तो बहुत अच्छा नो डाउट हाँ नहीं वो बहुत अच्छे वाला है लेकिन वैसे मैं कह रही हूँ ये क्या हाँ ये मेरे साथ शू रैक होगा पोर्टेबल है ना शेल्फ अच्छा होम की चीजें हैं कुशन्स वॉल्स स्टेशनरी महंगी है कलर नहीं अरे इतनी महंगी नहीं है देखो 1.50 के हैं ठीक है 1.75 कितनी है देखो अच्छे मार्कर है 1.75 सही है ये क्या है बोला पेंट अच्छा हाँ 2.505 कौन सा ये पेंट है एक्रेलिक पेंट वाटर बेस थोड़े से बच्चे बड़े हो जाए ना फिर उनको लेके देंगे इधर से वो मिल जाएंगे मुझे लग रहा है फिर उनसे कल से ढूंढे तुम निकाले तुमने वो नहीं ये क्या चीज है नवीन पेंट पेंट अच्छा पेंट करने ये रखने के लिए ये ना जब पाकिस्तान जाऊंगी ना अरीशा के लिए अलीजा के लिए लेके जाऊंगी उसको आर्ट का बड़ा शौक हाँ। नहीं नहीं ये वो है ना स्केच बुक्स है स्केच वेरी नाइस थिंग्स हाँ ये बीड्स बटन्स ये भी सारी ना वो क्रिएटिव चीजें बच्चे पेस्टिंग वगैरह करते हैं ये भी अच्छा ये आप आज पहली दफा मुझे लाए यहाँ से ये 50 पेंस की टेप है लेकिन हमें क्या करना है धागे लेने स्वेटर रजाइयाँ किधर से बनेंगी इसकी रजाइयाँ बनती हैं हाँ आंटियाँ हाँ पाउच नाइस पाउचेस एंजॉय मेकिंग नोट्स ये ऊपर कढ़ाई हुई है अच्छा ये वो बुक है डायरी हाँ ये पेंट ये किस चीज के लिए स्टोरेज हाँ फोर ड्रॉअर ड्रॉवर कितने का 18 pounds थोड़ी महंगी है इधर आके थ्रोज देखते हैं थ्रोज वेरी क्यूट ये कितने के नीचे लगा होगा नहीं तो 14 pounds वेरी नाइस ये क्या ये भी थ्रो है ओह वेरी क्यूट 9 pounds का यार यहाँ से लेंगे हम बहुत अच्छे सॉफ्ट हैं ये थोड़ा और तरह का मटेरियल वेरी नाइस कारपेट ये कुशन्स है 7 pounds
ईच। हाँ हाँ कितनी क्यूट है। ये भी है इंडियन वाले। हाँ गारमेंट रेल ये मैं वो बैठने के लिए और साथ स्टोरेज भी है ना। चले आगे हैं। पर ये पता आने जाने में ये टूट जाता है, क्रैक हो जाता है। पता नहीं वो मेरा इतना अच्छा नहीं था लेकिन स्टाइलो वाला था। ये कितने के हैं? बड़े सॉलिड लग रहे हैं। ज़ालम है लेकिन वो सॉलिड ज़ालम। ये अच्छे हाँ। कितने के? चलो पाकिस्तान जाएंगे ना फिर? नहीं मूव करना समझा। मूव करेंगे क्योंकि कोई नहीं है। वेरी नाइस कलर, माय फेवरेट येलो एंड पिंक। हाँ ये कितने का? ये वन रॉड का। पता तो मेरा छोटा सा दिल है। ये हो लॉन्ड्री बॉय। कौन से भाई? लॉन्ड्री में लॉन्ड्री हमने इतनी लॉन्ड्री नहीं करनी होती। वो दूसरे घर में जाएंगे ना। ये वॉशरूम के लिए वही है। डस्टबिन का नहीं, डस्टबिन तो नहीं है। हाँ डस्टबिन है। What's that? बेडशीट तो नहीं है। ये क्या है? ये वाला क्या भालू? वाटर बॉटल, लॉन्ग हॉट वाटर बॉटल। ये वाटर बॉटल है? इतनी बड़ी वाटर बॉटल? ये मेरे ख्याल में ये कमर पर बांधने के लिए नहीं, गर्म वाटर बॉटल। चलो छोड़े पर। विंटर वार्म नाइट्स डबल। हेयर आर द बेड शीट्स। नवीद आप इधर से बेड शीट्स लाए थे? हाँ ये वाली, ये एक ली है हमने। ये कितने की थी वाला? ये 20 pounds, 18 pounds डबल जो है वो 18 की है। और जो है ना ये वाली होगी किंग साइज 20। और कौन सी ली थी? एक ये थी हमारी, एक ये थी मेरे घर में, ये थी। ओहो ये एक ये ग्रीन है ना, और एक ग्रे और वो इस साइड थी, ये ऊपर ये ग्रे वाइट है। वैसे मैं होती ना ये कलर कभी ना लेती लेकिन ये प्यारा लग रहा है। मैं होती तो ये प्यारा है। ये सेम नहीं होता असल में, वो देखना वो नहीं ना होता। ये सिंगल ये ग्रीन वाला अच्छा है। ये कितने की है? 10 pounds 850 डबल। सही है, अच्छी है वैसे वो, बहुत अच्छी है। कौन सी? इनमें से शायद सही। ये तो 20 pounds की समथिंग की ली थी। फिर ना पेंट से लेके सारा कुछ करेगा, ये इलेक्ट्रॉनिक पेंट सब कुछ। इसका नाम क्या है शॉप का? विल्को। विल्को पर्दे में। हाँ ये वाले हैं वो जो वाइट कलर बारीक वाले, इसमें कलर भी है वो ग्रे भी है और वाइट ज्यादा करते हैं ना, वाइट अच्छा लगता है। और ये ग्रे नवीद ऐसा पहना हुआ था उसने बच्चे को, किसने ऐसा पहनाया हुआ था? ये तो कुत्तों का ऐसा ही था। सही बात है, ऐसा ही था, ऐसा वाला तो ये नहीं पाया होना, तो ये बताओ। और बच्चे को बांध के बड़ा लेके जा रहा था। बच्चों के लिए मिलते ये हैं। ये कौन से बैग्स हैं? ये उनके पोटी बैग्स हैं, पू बैग्स। ओ देखिए उनके खेलने के लिए हड्डी, डॉगी के लिए। डॉगी लेकिन हम नहीं लेंगे। मैंने ना ऐसा बॉल समझा था वो जो मैं लेके आई हूँ, लेकिन वो और निकला, वो हार्ड निकला।
ये फिश को डालने वाली है, फिश फूड। फिश फूड ले लेते हैं, मैं तो कहती हूँ फिश फूड ले लेते हैं और बाद में फिश लेते रहेंगे। चलें चलें चलें। चिड़ियों का दाना, अच्छा हर बर्ड का ना अलग अलग, उनके हिसाब से बड़े जबरदस्त खाने रखे हैं। परिंदों के बिना खर। अच्छा इधर ये शूज मुझे लेते हैं जरा, ये सेफ्टी शूज है। सेफ्टी शूज नहीं, नहीं सेफ्टी शूज नहीं, पानी में ये पानी 15 pound के जबरदस्त शूज हैं। ये सारा कंस्ट्रक्शन का एरिया। ये वो बीज चीज है, ये भी सारे बीज हैं। आलू के बीज ये उगाए हम अपने घर में, घर की सब्जी हो जाएगी सब्जी के तौर। अच्छा इधर वो गाजर, हाँ ये देखो गाजर के यहाँ के अच्छे बीज बन रहा है। तो ये बीज का ही तो सारा कमाल होता है, चावलों का भी इधर से बीज लेके जाएंगे। चावल मटर ये देखो, ये बंदा पंपकिन उधर लगा देना 1 pound का। ओ ये वाले फूल सारे हैं, इनके बीज तो बड़े जबरदस्त होंगे। ये फूलों के बीज हैं ये सारे। ये देखें कॉर्न के, स्वीट कॉर्न का बीज ले जाएं, यहाँ के अच्छे टॉप क्लास। ग्रीन अनियंस मामू को दिखाएंगे, कोई चीज पसंद आई तो वो दे भेजेंगे। मटरों के बीज हैं, मटर तो उधर भी बड़े जबरदस्त होते हैं हमारे पाकिस्तान में। खीरे का भी है, ये ना वो मट्टी है वो वाली है ना? हाँ ये उधर भी थी लिडल पे मैंने देखी है। अगले दिन एक आंटी बड़ी इतना बड़ा सा पैक लेके जा रही थी, तो ये इसमें अच्छे ये मट्टी भी ले जाएंगे। कितने किले हैं? थोड़ी थोड़ी डाल देंगे, नहीं ना थोड़ी थोड़ी डालेंगे, खाद के तौर पर डालनी है हमने। कौन सा ये इधर की अच्छी होगी ना, ये अपने गार्डन के लिए लेंगे हम इंशाल्लाह। ये क्या वुडन है चीजें कोई बनाने के लिए, कोई ऐसे फेंस टाइप, फेंस बनाने के लिए है ना। वो अवल पे खुद क्रिएटिव था। अगले दिन वो आयशा की बुक थी ना, उसमें वो कहती के ना, मदर कहती के ना स्प्रिंग आ गए हैं तो हम ना गार्डन अपने में प्लांट्स लगाएंगे। फिर वो बच्चों को लेके गई, आयशा इतना खुश हुई, कहती हम भी गार्डन में ना ऐसे प्लांट्स और लगाएंगे। फिर उन्होंने प्लांट्स लगाए, ट्री इतना बड़ा लेके आई वो लगाया। ये पॉट बड़े अच्छे, सॉरी जहान की चीज़ें रखी हुई इन्होंने। हाँ इसमें लाइट्स हैं, ये कितने कितने 15 pound के हैं, बड़े महंगे। वेरी नाइस चेयर हैं ये बच्चों के लिए, ये किड्स का खिलौने, खिलौनों का एरिया आगे है। इस साइड पे क्या है, छः छः पाउंड की है भी जरा डिफरेंट। ये वाले ग्लास ले लें, सब जरूरत पड़ी जाती है। ये 4 pound ईच है क्या चीज़? ये बाउल्स नहीं, ये 4 pound है, पैक ऑफ 4। ये क्या बारबेक्यू? वाओ ये कितने का तो लिखा होगा, जब लेना होगा तो हाँ ये इधर ऊपर लिखा होगा ना, क्योंकि इधर पड़ा 55 ये 55 का, ये छोटा भी तो है ना 30 ये और छोटा भी है 16 pound का, 15 pound का। हाँ ये सही बंदा ऐसा छोटा वाला, कैंपिंग के लिए, कैंपिंग के लिए ये भी वही चीज़ है।
अच्छा ऊपर ग्रिल है तो फिर बंदा ये ले ले, ये बड़े वाले भी हैं इसमें रैक, अंदर कोल रख के ना। अच्छा तो इसमें भी ऐसे नहीं वो कोल हुए, सारे कोल बने। हाँ एक दफा पैकेट लिया हो ना लिडल से, बारबेक्यू करेंगे। ये तो ट्रे वगैरह ना लेके जाने के लिए, नहीं हाँ ट्रे नहीं है परफेक्ट करते हैं कैंपिंग सीजन होने डेज रेडी इन 20 वही ना, इसमें रेडी करके इसमें रखें तो गर्म रहेगा ना उसमें। अच्छा। वो रखा ये भी वही थी। हाँ। ये बड़ा है, ये पता नहीं कितने का होगा, ये 50 से ऊपर होगा, 75। ये बड़े वाले हैं, ये भी बीज सारे फूलों के, ये डिपेंड करता ना घर पे, घर कैसा मिलता फिर उसके हिसाब से बड़ा उतना बड़ा लेंगे। पार्टी तो खीर को बुलाया करेंगे और भी अल्लाह करे हमारे रिश्तेदार कोई आ जाए तो फिर पार्टी किया करेंगे बारबी पर। मैं जितने भी व्लॉग देखती हूँ ना उसमें वो यही करते हैं अपनी फैमिली वाले, हर कुछ अरसे बाद, यही तो मजा है फिर बंदा इंजॉय करे कुछ अरसे बाद, सबको बुलाए पार्टी करें।